अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट टुडे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज सुबह हमारी इस तरह हुई है कि मेरे घर पे आज एक दावत है। सो यस, आई हैव टू प्रिपेयर फूड आइटम्स फॉर दैट। और अब मैं बनाने लगी हूँ डिज़र्ट्स फर्स्ट। सो यार, खीर बनाते हैं, आई लव प्रिपेयरिंग खीर। तो सबसे पहले मेरे पास ये होल मिल्क है पूरा, 1 लीटर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आराम आराम से जाता रहे। That's great. I'm done with the milk part. दूध हमने डाल लिया है इसके अंदर। इसको थोड़ा सा उबाल आ जाए, आग थोड़ी तेज़ करते हैं, थोड़ा दूध गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर हम लजीज़ा का खीर मिक्स डालेंगे। ये मैं लजीज़ा की खीर पे वो लेती हूँ, तो दिस इज़ इकोनॉमी स्टैंडर्ड। इसके अंदर 2 बैग होते हैं, एक ये बैग है हमारे पास छोटा सा और दूसरा इसके अंदर है। आई शो यू, 2 बैग्स हैं सेम टू सेम साइज के, ये है वन और दूसरा हम संभाल के रख लेते हैं। तो दिस वन इज इनफ फॉर टुडे। ये दूध थोड़ा गर्म हो जाए, देन आई विल पोर दिस इनसाइड इट। सो मेरा दूध बहुत थोड़ा सा गर्म हो गया, आई थिंक नाउ वी कैन ऐड द खीर। लजीजा की खीर मिक्स का हाफ पैक जो मैंने आपको दिखाया, नाउ वी गोइंग टू पोर इट इनसाइड। ये सारा मैंने डाल दिया है, नाउ वी मिक्स इट। अब बस सारा गेम जो है इसके अंदर मिक्स करने का है, जब तक कि थोड़ी थिक नहीं हो जाती हमारे पास। सो कीप ऑन मिक्सिंग टिल द खीर इज़ रेडी। जब इंस्टेंट दावत करनी होती हैं तो आई थिंक ये इंस्टेंट चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको सारे इंस्टेंट हैक्स बताऊं कि जल्दी जल्दी क्या बन जाता है। खीर के बहुत सारे पैक्स मैं अपने पास रखती हूँ, कस्टर्ड्स बहुत ज़्यादा रखती हूँ, लबेशीनी बनाना मुझे बहुत पसंद है, तो फ्रूट कैंस, जेलीज, कस्टर्ड पाउडर, पुडिंग में बहुत अच्छी तरह से बना लेती हूँ, तो कंडेंस्ड मिल्क होते हैं मेरे पास, शुगर का तो ज़खीरा होता है मेरे पास। यू कैन सी, अभी कल ही मैं शुगर का दोबारा रिफिल लेके आई हूँ अपने लिए, बिकॉज मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो कोई दावत नब भी हो तभी मैं बनाती रहती हूँ अपने लिए। सो यस, ये थोड़ी सी बन जाए फिर आई शो यू, उसके बाद फिर हम पुडिंग बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो गाइस, नाउ यू कैन सी इसकी कंसिस्टेंसी थिक होना शुरू हो गई है। लुक, इसको मैंने 5 मिनट्स मिक्स किया है ऑलमोस्ट। आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है, आई डोंट नो व्हाई, शायद खीर मिक्स कम थी शायद, डोंट नो, बट चाहे कोई मसला नहीं है, बस इसको मिक्स करते रहना होता है जब तक थिक हो जाए। यू कैन सी द कंसिस्टेंसी इज़ नाउ थिक, दानेदार लग रही है हमें, जैसे हमारी खीर होनी चाहिए। तो अब हम इसका फ्लेम बंद कर देते हैं, राइट, विल टर्न ऑफ द फ्लेम। फ्लेम हमने कर दिया है बंद सो दैट ये थोड़ी देर कूल डाउन हो जाए, फिर इसको हम पोर कर देंगे अपने बाउल के अंदर। एंड आवर खीर इज़ रेडी, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज़ पुडिंग, जो हम आज बना रहे हैं। पुडिंग मैं बिल्कुल माइक्रोवेव वाली बनाती हूँ मैं, ना उसको फ्लेम पे रखती हूँ ना ही ओवन में डालती हूँ, इट्स कम्प्लीटली माइक्रोवेवेबल पुडिंग। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। सो द खीर इज़ रेडी। सो गाइस, अब हम पुडिंग बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक बाउल लिया है, आई हैव ऑलमोस्ट 1 टीस्पून ऑफ वाटर, और ये मेरे पास शुगर है। सो यस, मैं 1 टेबल स्पून सॉरी इसके अंदर शुगर डालूंगी और थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दूंगी, राइट, बिकॉज हमने बनाना है इसका अभी व्हाट यू कॉल इट, कैरेमल, ठीक है। आई थिंक पानी ज़्यादा डल गया, सो लेट्स ऐड अ बिट मोर शुगर, ठीक है। सो दिस इज डन, अब इसको मैं डालूंगी माइक्रोवेव ओवन के अंदर एंड देन आई शो इट टू यू। सो गाइज, आई एम कीपिंग दिस इन द माइक्रोवेव ओवन करेंटली, ठीक है, और इसको हम सेट कर देंगे ऊपर 2 मिनट्स पे, राइट। सो लेट्स अर्न 2 मिनट्स, ओके है, वी आर 2 मिनट्स, फिर इसका हम कैरेमल बनाएंगे, राइट, जब ये पूरा हो जाएगा देन आई शो इट टू यू। ओके गाइज, इन द मेन टाइम हम बाकी उसका बैटर रेडी करते हैं। सो वी हैव गॉट 2 एग्स, ये 2 एग्स यूज करेंगे हम, और ये हमारे पास कंडेंस्ड मिल्क है, लेकिन इस कंडेंस मिल्क को पूरा यूज़ करूँगी मैं, इसको थोड़ा सा आधा से आधा छोड़ूंगी इसके अंदर। सो लेट्स टेक अ स्पून और फिर हम कंडेंस मिल्क से डील करते हैं, राइट। तो पहले हम 2 अंडे तोड़ कर डालते हैं, उनको वेल बीट है। ये गया हमारा 1 अंडा, राइट, एंड दिस अनदर एग। ये 2 अंडे हमने डाल दिए हैं, now let's beat them.
चीज़ें इक्वल है. आई प्रेफर लेटिंग इट कंडेंस्ड मिल्क. अ लॉट ऑफ पीपल से कि आप लोग नॉर्मल मिल्क से भी कर सकते हैं, उसके अंदर आप शुगर ऐड कर लें, बट आई थिंक माई कंडेंस्ड मिल्क इज स्वीटेंड इनफ, तो हम इससे ही बना लेंगे. आई डोंट लव इट. इसको हम यहीं पर रख देते हैं, नो वरीज. और ये हम कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने की कोशिश करते हैं. यू कैन ऐड हाफ ऑफ द टिन. आई गेस हाफ द टिन इज डन. ठीक है, अब हम इसको बीट करेंगे इसके साथ. कंडेंस्ड मिल्क की कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, इट्स थिकर, सो इट्स बिट डिफिकल्ट टू बीट एज कम्पेयर टू द नॉर्मल थिंग्स. कीप ऑन बीटिंग, कीप ऑन बीटिंग. इसके अंदर 1 teaspoon वनीला एक्सट्रैक्ट का भी मिलता है, सो आई ड्रिंक वनीला एक्सट्रैक्ट और वो इसके अंदर हम डालते हैं. सो दिस इज द वनीला एक्सट्रैक्ट आई एम हैविंग. ये थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देंगे, राइट, टू ऐड टू द टेस्ट. हमारा कैरेमल भी रेडी हो गया है. लेट मी ब्रिंग आउट द कैरेमल एज़ वेल एंड लेट मी शो यू द कैरेमल. और ये देखें, हमारा ब्यूटीफुल सा कैरेमल रेडी हो गया. आई कैन शो इट टू यू लाइक दिस. ओह यस, इट्स सो ब्यूटीफुल प्रिपेयर्ड. इसको देखें हम. ओह यस, तो बहुत अच्छा बन गया है. इससे पहले स्पेस टेक होना शुरू हो जाए, ये मैंने बैटर ट्रे इसके ऊपर ऑलरेडी इसको लेयर कर देती हूँ. इस ट्रे में हम इसको डालते रहेंगे. कैरेमल को आपने जल्दी जल्दी पोर करना होता है बिकॉज ये फौरन से थिक होकर चिपकना शुरू हो जाता है, राइट. सो इसको फौरन से स्प्रेड आउट कर देंगे यूं करके, ताकि ये पूरे पे स्प्रेड आउट हो जाए. पूरे पे स्प्रेड हो जाए देन आई विल शो इट टू यू. आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड द सेंटर पार्ट. ये बैटर मैंने इसके अंदर पोर कर दिया था सारा का सारा. ठीक है, अब इसको मैं ओवन में डाल रही हूँ. वैसे माइक्रोवेव में चलाती हूँ, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माय माइक्रोवेव, इट्स नॉट वर्किंग ऑल ऑफ अ सडन. तो चलिए, मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है. ओके, प्रीहीट करना होता है बट आई एम नॉट डूइंग इट एक्जैक्टली. इसको मैं रख रही हूँ ऑलमोस्ट 180 पे. ओके, एंड विल कीप इट फॉर ऑलमोस्ट लाइक 20-25 minutes और देखते हैं क्या होता है. Okay, let's see the results after 20-25 minutes, guys. So guys, kheer hamari thandi ho gayi thi. Now it's time to pour down the kheer. Kheer ko thoda mix karke isko pour kar dete hain. Alright, isko pour kar dete hain. Isko hum thandi karne ke liye rakhte hain. So that by the time guests arrive, hamari kheer must thandi ho, and everybody loves it. Sorry, guys. कुछ तबीयत भी ऑफ लग रही है मुझे अपनी, बट चले चूँकि मौसम ही ऐसा है कि कभी खांसी, कभी नज़ला, कभी क्या. सो यार, मेरा अंदर रखिए. लेट्स इट. ओके गाइस, सो लेट्स सी क्या बना है इसका. ओह वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल. वो लाइट जला के देखते हैं. वाओ, इट्स रेडी. पुडिंग हमारी रेडी हो गई है. थोड़ा सा रेस्ट है लेकिन ये सेटल हो जाता है नीचे. अभी मैं इसको बाहर निकालती हूँ एंड देन इट बी सेटल्ड एंड देन लेट मी शो यू. सो ये देखिए, नीचे बैठ के सेटल हो गया है. आई थिंक थोड़ी ज़्यादा पक गई है, थोड़ा क्रस्टी क्रस्टी हो गया है, बट एनीवेज इसको हम उल्टाएंगे. अभी इस प्लेट पे मैं इसको उल्टाती हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू द फाइनल लुक ऑफ द पुडिंग. फिर इसको फ्रिज में कर देंगे. हियर यू गो गाइस, ये फाइनल लुक है मेरी पुडिंग की. थोड़ी पतली हो गई है बट इट्स ओके, आई एम लविंग इट. आई जस्ट होप टेस्ट में अच्छी हो. थोड़ा मुझे कैरेमल ज़्यादा कुक्ड लग रहा है बट आई थिंक इट विल बी फाइन जब हम खाएंगे इंशाल्लाह. सो कांट वेट टू ईट दिस. That's all for now, guys. This is my vlog for now. और जो खाना है बाद का वो हम बाद में शेयर करेंगे in another vlog. Bye-bye.